ये सुबह का मैंने 10-11 बजे का से ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था अपना, क्योंकि मॉर्निंग वाला पॉसिबल नहीं हो पाया था आज मेरे से। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि डेली रूटीन के बेसिस से मॉर्निंग से ही इम्पॉसिबल सा कभी कभी हो ही जाता है। तो आज मैंने वही 11-12 बजे के बाद, मैं लगभग 11 बजे के आसपास मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि बच्चे सारे घर में ही थे। तो आज मॉर्निंग रूटीन वाला कुछ टाइमिंग का मेरा अता पता नहीं था, क्योंकि आज तो स्कूल था नहीं। इस वजह से मैंने लेट सेट सो के भी मैं उठी थी, और लेट सेट काम भी मेरा आज मॉर्निंग का हुआ था। इस वजह से लगभग 10-11 बजे के टाइमिंग में लंच टाइम का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। और आज मैं बनाने जा रही थी मछली, क्योंकि बच्चों का बहुत दिन से मन हो रहा था कि मम्मा मछली खाना है। उधर फेस्टिवल था तो मैंने अवॉइड कर दिया था, 2 दिन बच्चों को मना कर दिया था। फिर मैंने आज सोचा कि नहीं, चलो बच्चे घर में हैं तो मंगा देती हूँ। तो ये मैं मछली बना रही थी, क्योंकि जब बच्चे का मन हो जाता है कोई चीज़ में तो माँ को भी संतुष्टि नहीं हो पाता है। मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ, ये लोग को मछली बना के मैं खिला देती हूँ। तो ये देखिए मेरा मोस्टली मछली का जो भी है ग्रेवी वगैरह तैयार हो गया था, तो मैंने मछली यहाँ पे बॉईल होने के लिए डाल दिया है। और इधर चावल भी पक रहा था साथ में, आज लाइन था तो मैंने हीटर पे ही दोनों कर लिए थे। मछली भी बन ही जाता है, और मछली मैं दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो आयरन की कढ़ाई है तो इसमें थोड़ा सा छोड़ देने के बाद वो काली सी हो जाती है। और लगभग खाने का भी टाइमिंग हो ही जाता है, तो मैं यहाँ खाना भी निकाल दे रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाम में कुछ चटपटा सा। ये है आलू, ये है हरा धनिया, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसमें मिर्ची है। तो देखिए क्या बनाते हैं। मैंने बच्चों का भी मन आज खूब रखा है, क्योंकि ये उन लोग का हॉलीडेज था, छुट्टी था अम्बेडकर जयंती का, तो बच्चे घर में ही थे तो सब मुडियल टाइप से कर रहे थे आज ये खाना ये खाना। तो मैंने आज अपना कुछ भी नहीं, बच्चों के अनुसार से ही मैं चली हूँ। सुबह से शाम तक का रूटीन मेरा बच्चे के हिसाब से ही रहा है, जिसने जो बोला है मैंने उनको ऐसा बना के खिलाया है। और यहाँ बाबू मूंगफली के दाने मुझे देता है खाने के लिए, तो मैं वही खा भी रही हूँ और साथ ही साथ बना भी रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये आयरन की ही कढ़ाई हमेशा यूज़ करती हूँ, तो हाँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में बनाना मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं आयरन की कढ़ाई को आयरन की कढ़ाई में ही बनाना पसंद करती हूँ। इसमें बहुत अच्छे से बन जाता है, पक जाता है एकदम से बिल्कुल। और हीटर है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही प्रिफर करती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बनाना बहुत पसंद है। और तो यहाँ पे मैंने लगभग 300 ग्राम के करीबन बेसन लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है नमक है ना, उसके बाद मीठा सोडा, और मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा हींग। ये देखिए हींग है, ये मैं इसमें हींग मिला देती हूँ, क्योंकि ये डाइजेस्टेड के लिए सही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाने के बाद। और अजवाइन मंगरेला ये सब है, और उसके बाद हल्दी जाएगा इसको 2 चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। और इसमें लाल मिर्च पाउडर है, और इसका एक थिकनेस सा एकदम एक गाढ़ा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये गर्मा गर्म आलू चॉप बन के रेडी है, आप लोग भी आ जाइए हमारे यहाँ खाने के लिए। ये मेरी बड़ी बेटी का फरमाइश था कि मम्मा मुझे होली के बाद तुम और आलू चॉप बना के नहीं खिलाई, तो मैं आज उसका स्वागत कर रही हूँ। और ये देखिए रेडी सेडी हो गया मेरा आलू चॉप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।